सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज का वीडियो जो है मेरे हेयर के ऊपर है, जो हेयर ट्रीटमेंट ले रहा हूँ उसके बारे में है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि भाई आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, आपका हेयर ट्रीटमेंट का क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हो गया था बीच में, थोड़ा सा घूमने उमने चले गए थे हमने, और थोड़ा शादी वादी का थोड़ा सा ये था। सो उस टाइम में मुझे, उस पीरियड में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। तो अब मुझे टाइम है और मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा और आप लोगों को बताऊंगा क्या चल रहा है। सो फिलहाल मैं आ रहा हूं, डॉक्टर से ही मिल के आ रहा हूं, आज मेरा सेशन था, तो मैं अभी रास्ते में हूं और मेडिसिन लेके आ रहा हूं। तो मैंने हेयर थेरेपी भी लिया है, डॉक्टर से भी मिला है, और डॉक्टर ने बोला है कि अभी आपका कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है और हेयर में भी और डैंड्रफ में भी। तो वो जो लगाते हैं माइक्रोस्कोपिक कैमरा, उसमें लगा के उन्होंने चेक भी किया और वो मॉनिटर के ऊपर दिखता है। तो मैंने भी देखा काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि कंट्रोल में है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काम कर रहा है। स्काल्प जो है बिल्कुल भी क्लीन दिख रहा था मुझे, और अभी भी थोड़ा था बट पहले जैसा नहीं है। सो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं मेडिसिन लेके भी मैं जस्ट आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। तो मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा शांति है और मैं यहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे सोचा कि आप लोगों को बता दूँ क्या चल रहा है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि विस्तार से बताऊँगा कि जो भी डिटेल्स में क्या क्या हुआ और कितना कंट्रोल में है। बट फिलहाल अभी ये बोल सकता हूँ कि बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और काफ़ी कंट्रोल में है। सो मेरा हेयर भी देख सकते हो आप, पहले के आप वीडियो जब देखोगे, पुराना वाला वीडियो, तो उस टाइम का जो हेयर था और अभी का हेयर, काफ़ी आपको फर्क दिखेगा। पहले मैं अगर इसे यूं कर देता था तो वो बाल आते थे, बट अभी वैसा सिस्टम नहीं है, अभी बिल्कुल भी मतलब कि कंट्रोल में है। और नहाने भी जा रहा हूँ तो उतना नहीं गिर रहा है, बट अभी कैसा है, बारिश का महीना है तो इस सीज़न में थोड़ा बहुत तो गिरता ही है। जब आप शैम्पू करोगे ना, कोई भी इंसान हो, नॉर्मल जिसका बाल नहीं गिरता है वो भी शैम्पू करेगा, इस टाइम में थोड़ा बहुत बाल गिरता ही है, क्योंकि बारिश के टाइम में ये एक हेयर फॉल का सीज़न रहता ही है, डॉक्टर भी बता रही थी वैसा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। फिलहाल के लिए इतना ही, और मैं अभी जा रहा हूं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल बताऊंगा कि आगे क्या क्या हुआ और मैं क्या कर रहा था, कहाँ इतना दिन बिजी था, और हेयर जो है कितना ग्रोथ है, कितना कंट्रोल है, काम कर रहा है कि नहीं, होम्योपैथिक दवा जो है डॉक्टर बता रहा कैसा है। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, फिलहाल के लिए इतना ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे वीडियो देखते रहो, आपको मैं आगे जानकारी देता रहूँगा। और बीच बीच में मैंने ब्लॉग जरूर डाला था, क्योंकि हम लोग चले गए थे थोड़ा मनाली घूमने के लिए शादी के बाद। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा डिटेल्स में डॉक्टर बत्रा के बारे में। जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होगा कि डॉक्टर बत्रा कौन है, कैसा है, और इनके दवा काम करते हैं कि नहीं करते हैं। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपको जानकारी मिलती रहेगी।